मजलिस की रूह ही खत्म होती जा रही है। ऊपर से जाकिर मजलिस में दाखिल होता है, चाहे वो शौकत रजा शौकत, चाहे जुरियत इमरान है, चाहे सरदार साहब हैं, जो भी जाकिर मजलिस में आया, आप फोन लेके सेल लेके उसके पीछे भाग पड़े, मसाइब हो रहा है, फजाइल हो रहा है, आप सेल्फी बना रहे हैं, आप अपने मूड में खड़े हुए हैं। सच बताओ, अपने बाप के जनाजे पे भी कोई यूं करता है? यह हमने तय किया हुआ है, ये जनाजे हैं आले मोहम्मद के। अपनी माँ के सामने भी कुछ तरह करता है जैसे हम यहां करते हैं? वीडियो बनाओ, सारे बच्चे जितने बना सकते हो, लाइव चलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं इमरान शाह से पूछे बगैर कह रहा हूं, क्या मजाक बना दिया मजलिसों को, क्या तमाशा बना दिया मजलिसों को? हुसैन का वास्ता, तुम लोगों की इस मिसबिहेव की वजह से जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हम जानते हैं। बाबा जी तस्दीक करेंगे, पूछते हैं लोग ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। गाजी का वास्ता, मजलिस को मजलिस रहने दो। ये तुम पढ़े लिखे बच्चे, तुम्हारे पास सेल हैं, तुम स्कूल जाते हो, अपने पीरियड टाइम में भी अपना सेल खोलते हो? नहीं। कॉलेज में खोलते हो? नहीं। यूनिवर्सिटी में खोलते हो? नहीं। और तुम अपने टीचर के सामने, अपने प्रोफेसर के सामने, अपने लेक्चरर के सामने ये सेल फोन नहीं खोलते, हुसैन के सामने खोल के बैठे हो? ये मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ बंधे हूं। मैं 40 साल पढ़ चुका हूं, मैं हर सैयद का नौकर हूं, मैं औलादे बतूल का कमी हूं, मैं हर मातमी का नौकर हूं। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मौला का वास्ता मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मौला का वास्ता, हम कश्ती बड़ी मुश्किल से यहां तक ले आए, ये हम जानते हैं। हमने इसके लिए खून दिए, हमने इसके लिए मकान दिए, हमने इसके लिए बड़े बड़े कमाल खतीबों के, कमाल मातमियों के, कमाल अजादारों के जनाजे उठाए। मोहसिन नकवी शहीद आल्लाह मकामाऊ से लेके अल्लामा नासिर शहीद आल्लाह मकामाऊ तक और अल्लामा नासिर से लेके नुसरत शहीद तक पता नहीं कितने जनाजे हमने उठाए हैं, कितने घरों को आग लगी है, कितने घर जलाए गए हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारे गैर जरूरी रवैये से मजलिस हुसैन का हुस्न खराब हो रहा है। जो नाराज हुए मैं उनसे माफी चाहता हूं। मेरे पढ़े लिखे बच्चे हो तुम, मेरा बच्चा, तुम स्कूल लाइफ गुजार रहे हो, तुम कॉलेज लाइफ गुजार रहे हो, तुम यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार रहे हो, बेटा तुम हालात को समझो तो सही, तुम हालात की संगीनी पे नजर तो करो, हालात किस तरफ जा रहे हैं। ऊपर से मजे की बात यह, जो लाइफ चला रहा है, खुदा ना खासा किसी जाकर, पीछे बैठो, पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं बात कर रहा हूं, किसी जाकिर किसी खतीब के मुंह से कुछ निकल भी गया है कोई ऐसा जुमला, तो सबसे पहले तुम ही उसका क्लिप बना के आगे बांट देते हो। अगर किसी गरीब से स्लिप ऑफ टंग हो ही गया है और उसे नहीं पता चला कि यार मैंने क्या कह दिया है, तो आधे घंटे बाद तुम ही पूरी दुनिया को खुद बता रहे होते हो, आज जी ये आ गया, ये आ गया, उसका क्लिप चढ़ गया। गाजी का वास्ता, जिक्र हुसैन का वास्ता, मैं माफी चाहता हूं, बुरी लगी हो तो मैं तुम्हारे कदमों पर हाथ रखने को तैयार हूं। जी बड़ी मेहरबानी, आप भी थोड़ा सा आप लोग भी अपने आप पे काबू करें। मैं नारा लगाने से मना नहीं कर रहा, मजलिस का अपना एक हुस्न है, अपना एक मेयार है, मजलिस की अपनी एक तरतीब है। जो साहब रूठ के चले गए मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ, लेकिन वो हर एक मिनट के बाद खड़े हो जाएंगे तो जाकिर क्या पढ़ेगा और मजमा क्या सुनेगा।